कंधे तो मजबूत है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, यहां उपस्थित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी, हमारे साथी और सहयोगी प्रदेश सरकार में मंत्री भाई राजेश धर्मानी जी, आपने देखा कि दो नए चेहरे हिमाचल विधानसभा में पहुंच गए हैं, हमारे कैप्टन साहब कैप्टन रंजीत राणा जी, और कैप्टन के पीछे डॉक्टर चला हुआ है, और हमारे विवेक बिक्कू जी और हमारे भाई चंद्रशेखर जी जो हमारे उम्मीदवार वहां से थे धर्मपुर से और एमएलए हैं आज हमारे साथ मंच पर विराजमान तमाम नेतागण और उपस्थित साथियों, ये भगवान का दिया हुआ मौका है कि डॉक्टर को विधानसभा पहुंचना था, अन्यथा कोई ऐसा मसला नहीं होना था। ये तो ऊपर वाले ने फैसला कर दिया कि 15 महीने तुम्हारे पेन, बाकी सारा समय डॉक्टर का। तो इसलिए हमीरपुर के लोगों को साबित करना है, यहां पे पता नहीं बार बार जो है मुख्यमंत्री गिराने के लिए क्यों लोग सक्रिय हो जाते हैं। धूमल साहब थे तो उनको हटाया जाए, सुक्खू जी आ गए तो इनको हटाया जाए, खैर हटाने वाले जो हेड मैकेनिक थे वो तो रंजीत राणा जी ने हटा दिए, वो तो इन्होंने हटा दिए, और अब बाकी रही सही कसर जो है वो डॉक्टर ने पूरी कर देनी है। बताओ पूरी करेंगे कि नहीं, पीछे तक बताओ सारे। मुख्यमंत्री जी करंट तो 440 का है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो आपको पता है पूरी तरह स्थिर हो चुकी है, स्थिर है, स्थायी है। हमारे पास 36 एमएलए हो चुके हैं, पहले जिन्होंने 6 लोगों ने बगावत का झंडा उठाया था उनमें से 4 घर बैठ गए, 4 घर बैठ के आपने बिठा दिए, और अब आई 3 की बारी, अब 3 की बारी आई। अब 3 की बारी है, मुख्यमंत्री तो ये जिनको हटाने की कोशिश हुई उनकी सरकार तो पूरी तरह स्थिर हो गई है, अब तो जो है जिसको कहते हैं कि जो बाकी लोग हैं वो आप जिता के भेजेंगे तो प्रदेश में एक सिग्नल जाएगा, प्रदेश में एक पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं दिल्ली तक बात जाएगी कि जिन लोगों ने ये बगावत की थी उन लोगों को देवभूमि के लोगों ने, वीर भूमि के लोगों ने सबक सिखा दिया है। सिखाओगे ना सबक आप सब लोग? पंजाबी में कह रहे दे दोगे ना, तंग सिरे जनाब, किसी ने पल्ले कुछ नहीं हैगा, किसी ने पल्ले कुछ नहीं हैगा, जो भी हैगा सुखू हैगा।
साल सरकार रही थोड़े सामने साढ़े तीन साल कराओ हमीरपुर के काम कराओ पूरी सात करोड़ का आटा पास अड्डा बन रहा जे मुख्यमंत्री ना होंगे तो सात करोड़ का अड्डा बनना था इतने किसने बनाना था 2000 करोड़ दिया पानी दिया स्कीमां बन रही बनानी थी किसी ने पानी की स्कीम तो क्या बनी थे इतने जो मंच नू पोचा नहीं लगता था हाँ तुसी देखिया इसलिए मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूं सरकार स्थिर है मजबूत है डॉक्टर पुष्पिंदर की गड्डी जी है हमीरपुर से शिमले जाने वाली है मैं हिमाचल प्रदेश सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं सरकार में मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं परमिट मैं जारी करता हूं आज इसका कार्ड दिया मैंने हमीरपुर शिमला नॉन स्टॉप और उस गाड़ी में हम जो है अपने पठानिया जी को भी बिठा के लेके जाएंगे और इधर से अनीता जी को भी अगली सीट पे बिठा देंगे और साथ में जाएगा डॉक्टर कल्ला नहीं जाएगा डॉक्टर इकट्ठे हो जाओ वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के सारे लोग ये कांग्रेस का सवाल है आम परिस्थिति होती हम कभी ना कहते किसी को नहीं कहते लेकिन जिस स्थिति में इलेक्शन हो रहा है उस स्थिति में सारे कांग्रेसी सारे जितना भी आप में किसी में मतभेद भी है कांग्रेस पार्टी में इस समय कोई गुटबाजी नहीं है पूरे प्रदेश में आप देख लो सब इकट्ठे हैं सारी सरकार इकट्ठे होकर चल रही है कल मैं देख रहा था क्योंकि आगे भी हमारा नॉमिनेशन है मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी वहां चुनाव लड़ रही है अरे भाई इनको तो पावर हाउस के पास जाना बड़ा लाजमी है मैं तो कह रहे थे जल्दी जल्दी और इसलिए यहां पे लोग कह रहे थे कि महिलाओं हाथ उठा के बताओ आपको 1500 मिले कि नहीं उनको मैं कहना चाहता हूं जरा ऊना में आके हाथ उठवाना वहां सारी महिलाओं को मिल गए 10 तारीख के बाद यहां भी हाथ उठवा के बताना फिर सारे आपके भी खातों में पैसे चले जाएंगे 10 तारीख की देरी है 11 तारीख 12 तारीख को ऊना में करोड़ों रुपए डाल दिए अभी ज्वालामुखी में डाल रहे हैं इसलिए आपकी बारी है आपको घर बैठे तीन महीने चौथे महीने का 6000 मिलना आपको 1500 रुपया एक महीने का अप्रैल का 1500 मई का 1500 जून का और जुलाई का भी साथ पड़ेगा तो आप सबको जो है लगभग 6000 रुपया मिलना है हमारे ऊना में 4500 रुपया मिला इसलिए सब लेने से मेरा आग्रह है इकट्ठी हो जाओ अपने भाई अपने जो है डॉक्टर पुष्पिंदर को जो है वोटे डालोगे ना और लेडीज बताओ सारी लेडीज बस इनका एक बार साथ दे दो और इनको शिमला पहुंचाओ और हम अपने जिले के मुख्यमंत्री को आप मजबूत करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि अगला नॉमिनेशन है ये दोनों सीटें जो है चाहे वो देरा की है चाहे हमीरपुर की है हम जीतने जा रहे हैं पुष्पिंदर को मैं अभी ले जाऊं अपने साथ बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के फर्नीचर के